यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और उधर शनिवार को सांसद दीपेंद्र हुड्डा फरीदाबाद में आयोजित रोजा इफ्तार पार्टी में शिरकत करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश वासियों को रमजान की मुबारकबाद दी और फिर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि इस सरकार में सभी व्यक्ति त्रस्त हैं क्योंकि यहां सरकार कहती कुछ है और करती कुछ और है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने अपने ही फैसलों से पलटने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों को हुड्डा का डर सताता है, इसलिए वो बार बार सिर्फ उन पर निशाना साधते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि प्रदेश की जनता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है और अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। श्री अब्दुल गफ्फार कुरैशी जी, बीजेपी 2.5 लाख वोट से जीती थी, 2 लाख पार्टी में, और जो हमारे बीच में आज हमारी संस्कृति है, हमारे